हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी अबेकस की फर्स्ट क्लास है जिसमें हम पूरा अबेकस का इंट्रोडक्शन, अबेकस क्या होता है, कैसे काम करता है, किस क्लास के बच्चों के लिए सुटेबल है। अबेकस इज अ फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, जो सबसे पहले हमारे विश्व में कंप्यूटर बनाया गया था उसको नाम दिया गया था अबेकस। और टाइम टू टाइम जनरेशन चेंज होती रही, पहले बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर आते थे, पूरे कमरे के साइज का कंप्यूटर होता था, टेक्निक चेंज होती रही और आज का टाइम में आप देख सकते हैं कि एक पूरा का पूरा कैलकुलेटर, पूरा का पूरा कंप्यूटर हमारी पॉकेट में है। अबेकस का मेन पर्पस है हमारे ब्रेन को डेवलप करना, हमारे ब्रेन की ग्रोथ करना, कैचिंग पावर, कंसंट्रेशन पावर, लर्निंग पावर, इन सबको इम्प्रूव करना। अब ये इम्प्रूव कैसे होगी, क्योंकि ये एक टेक्निकल डिवाइस है, परंतु इसको सीख सकते हैं सब बच्चे जो कि सेकंड क्लास से लेकर एट्थ क्लास तक के बच्चे हैं, क्योंकि यही वो टाइम पीरियड होता है जिसमें बच्चों का ब्रेन सबसे ज़्यादा ग्रोथ करता है। आफ्टर 14 इयर्स 15 इयर्स बच्चों का ब्रेन ग्रोथ करना रुक जाता है। जैसे हम ये कह देते हैं, एक सिंपली लैंग्वेज में आपको बताएं कि 9th-10th के बाद बच्चों की हाइट इंक्रीज होना बंद हो जाती है। जिस प्रकार हम कितनी भी ट्राई कर लें, कितनी भी कोशिश कर लें, आफ्टर 10th बच्चों की हाइट इंक्रीज हो पानी बहुत ही मुश्किल है, ऐसे ही हमारे ब्रेन की ग्रोथ हो पानी भी बहुत मुश्किल है। तो इन शॉर्ट आप इतना समझ लीजिए कि ये जो टाइम पीरियड है क्लास 2nd to 8th क्लास, ये बच्चों का वो गोल्डन टाइम है जिसको यूटिलाइज करके हम बच्चों के ब्रेन की ग्रोथ कितनी भी कर सकते हैं। अब ब्रेन की ग्रोथ ऐसे तो अपने आप हो नहीं जाएगी कि बच्चों के हमने तेल की मालिश करी और बच्चों का ब्रेन ग्रोथ हो गया। उसके लिए हमें कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, कुछ सीखना पड़ेगा। और वो सीखना क्या पड़ेगा, अबेकस, क्योंकि अबेकस जो है वो हमारे ब्रेन की ग्रोथ करता है, ब्रेन को डेवलप करता है। कैसे करता है, ये सब जानते हैं कि हमारे ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट। आप इस पिक्चर में देखिए, ये हमारा ब्रेन है और ब्रेन के लेफ्ट पार्ट और ये राइट पार्ट। लेफ्ट पार्ट क्या वर्क करता है, लर्निंग का। लेफ्ट पार्ट लर्निंग का वर्क करता है, लर्निंग, कुछ भी हम लर्न करते हैं, टेबल्स लर्न करने हैं, हिंदी इंग्लिश लर्न करनी है, मैथ्स का लर्न करना है, कुछ भी हम लोग लर्न करना चाहते हैं तो वो लेफ्ट पार्ट करेगा। और राइट पार्ट का वर्क क्या होता है, कोई भी पिक्चराइजेशन है, इमेजिनेशन है, वो राइट पार्ट करेगा। हम कोई पिक्चर देखते हैं, कोई हमने स्टोरी सुननी है, देखी है, कोई कहानी है हमारे को वो याद रहती है, कोई चेहरा है वो हमारे को याद रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि उसको परफॉर्म किया है हमारे ब्रेन के राइट पार्ट ने। हम क्वेश्चन आंसर लर्न करते हैं वो भूल जाते हैं, आज याद किया, 2 दिन में 4 दिन में हमने उसको रिवाइज नहीं किया तो वो डिलीट हो जाता है। हमने कोई फिल्म देख ली, कोई पिक्चराइजेशन के थ्रू कुछ भी चीज सीखी है, वो राइट पार्ट से सीखी है, इसलिए हम उसको नहीं भूलते। इसलिए आजकल जो न्यू टेक्निक्स यूज हो रही है बच्चों को स्कूल में, वो स्मार्ट क्लास यूज हो रही है, ताकि पिक्चराइजेशन के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाए तो वो आसानी से, जल्दी और लंबे समय तक याद रहता है। अभी आप देखिए, राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट, इन दोनों का पर्पस समझ में आया। एक और चीज है कि ब्रेन के दोनों पार्ट हमारे हाथों से कनेक्टेड हैं। हम ब्रेन का जो भी राइट हैंड यूज करेंगे तो हमारे ब्रेन का लेफ्ट पार्ट वर्क करेगा, और लेफ्ट हैंड यूज करेंगे तो हमारे ब्रेन का राइट पार्ट यूज करेगा। अभी मैं आपको अबेकस टूल दिखाता हूं, ये ब्रेन बूस्टर का अबेकस है। इस टूल पे अभी देखिए, नॉर्मली हम रिटर्न में एक ही हैंड यूज करते हैं तो हमारे ब्रेन का एक ही पार्ट एक्टिव होता है। दोनों पार्ट एक्टिव करने के लिए, ब्रेन की ग्रोथ करने के लिए इस टूल से हम लोग अबेकस सीखेंगे। इसके ऊपर क्या है कि हमारे दोनों हाथ चलेंगे बच्चे के, दोनों हाथ चलने से हमारे ब्रेन के दोनों पार्ट एक्टिव होंगे, जिससे हमारी लर्निंग, पिक्चराइजेशन, कंसंट्रेशन, हर चीज इंप्रूव होगी। इस वीडियो में हो सकता है जो छोटे बच्चे इसको देख रहे हों उनके ये बातें समझ में कम आए, तो आप इस वीडियो को बार बार देखें। पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पेरेंट्स और बच्चे एक साथ देखें, ताकि बच्चों को जो कुछ समझ में ना आए वो आप उनको समझाने में हेल्प कर सकें। और हमारी भी ये कोशिश है कि हम इसको इतने आसान और इजी मेथड से समझाएं ताकि हर कोई सीख सके।
क्योंकि इस लॉकडाउन के रहते हुए हमने अपने बच्चों को डाउन नहीं होने देना। अभी मैं यह वैकस आपको ड्रॉ करवाता हूं, आपने भी इस वीडियो को देखने के बाद एक कॉपी लें, उसके ऊपर वैकस को ड्रॉ करें, उसके पार्ट्स को सबसे पहले समझें। अभी तो इसको आपने फन की तरह करना है, ना कि कोई वर्क की तरह, क्योंकि वर्क करेंगे आप थक जाएंगे, आपको होगा कि हमने नहीं करना, लेकिन आप इसको एक फन, एक एंटरटेनमेंट की तरह करेंगे तो बहुत अच्छा। अभी मैं ये जैसे वैकस ड्रॉ कर रहा हूं, आपने भी अपनी रफ नोटबुक लेकर पेंसिल या पेन किसी से भी ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम ये एक रेक्टेंगल बना लेंगे, इसको हम बोलते हैं फ्रेम। ये आउटर जो पार्ट है इसे हम बोलेंगे फ्रेम। अब इनर पार्ट देखिए इसके, पहले एक ये लाइन लगा लेंगे, उसके बाद ये लगाएंगे हम इसके अंदर रोड्स। ये आप कितनी भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपने काउंट करके ही लगानी है, कोशिश ये करें कि ये इक्वल गैप पे लगे। ये हमने इसके अंदर रोड्स लगा ली हैं इसकी। अब इसके अंदर पार्ट्स होते हैं बीट्स। ये जो हमारी एक लाइन है, इस लाइन को जो आप देख रहे हैं, इस लाइन को हम बोलेंगे बार लाइन। ये लाइन क्या है हमारी, बार लाइन। अब इसमें हम बीट्स ड्रॉ करेंगे, जो ये आप गोल सर्कल देख रहे हैं ये बीट्स हैं। तो इस बार लाइन के जो ऊपर की बीट्स बना रहे हैं, ये एक रोड में एक सिंगल बीट बनेगा, और इस बार लाइन के नीचे जो हम बीट्स बनाएंगे, ये एक रोड के अंदर फोर बीट्स बनेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 3 4, 1 2 3 4, 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये बन गया हमारा ब्रेन बूस्टर का एक अबैकस की पिक्चर। इस लाइन के, बार लाइन के जो ऊपर के आप बीट्स देख रहे हैं, इनको हम बोलेंगे अपर बीट्स। अपर बीट्स। और इस बार लाइन की जो नीचे के बीट्स हैं, इनको हम बोलेंगे लोअर बीट्स। जिन बच्चों के पास पहले से घर में अबैकस टूल है, इस तरीके का कोई भी, आप उसको भी देख के ड्रॉ कर सकते हैं, इस पिक्चर को देख के भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसकी इमेज मैं आप सबको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड भी करूंगा। यदि किसी का कुछ मिस हो जाता है, कुछ चीज समझ में नहीं आती, कुछ पार्ट समझ में नहीं आता, तो आप वहां पर आसानी से सीख सकते हैं। अब इस पे हम ये सोचेंगे कि इस पे मैथ्स कैसे होगा, इस पे कैलकुलेशन कैसे होगी, ये तो सबने बीट्स बीट्स से बना दिए, ये तो छोटे बच्चों के खेलने का टूल है। तो आप बिल्कुल सोच रहे हैं, जो सही सोच रहे हैं, क्योंकि ये खेलने का ही है, इसको हमने प्लेइंग मेथड से ही सीखना है। अभी साथ में देखिए, इन बीट्स की वैल्यू काउंट करेंगे हम लोग, वैल्यू क्या होगी इन बीट्स की। तो जो लोअर बीट्स है, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 पर बीट। एक बीट की एक वैल्यू होगी, 1 वैल्यू पर बीट। और जो अपर बीट है, इसकी वैल्यू होगी 5 पर बीट। राइट। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। एक चीज और है, जैसे हम काउंट करते हैं, सपोज मैंने ये नंबर लिख दिया 7 4 3 2 7, ठीक है। इसको हम जब बच्चों को सिखाते हैं तो कैसे काउंट करते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, राइट। ये भी ऐसे ही चलेगा, ये हमारी जो रोड होगी, ये क्या होगी, वंस, ये क्या होगी, टेंस, ये होगी हंड्रेड, ये होगी थाउजेंड, ये होगी 10,000। वैसे इसके अंदर एक
यहाँ पे स्पॉट्स लगे होते हैं, हम लोग उसको मान के चलते हैं कि यहां से हम स्टार्ट करेंगे तो ये वंस की रोड ये वाली होगी, यहाँ ये पॉइंट बना हुआ है तो वंस रोड यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, परंतु कई बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करवाते हैं क्योंकि इसके राइट साइड में तो बीट्स है ही नहीं, तो मिस्टेक होने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। इसलिए हम अपने बच्चों को वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैख, तो ये काउंटिंग इसी के अकॉर्डिंग चलेगी। अब बात आता है कि इस अबैकस को यूज कैसे करना है, तो यूज करने के लिए हमारी फिंगर्स वर्क करेंगे इसके ऊपर। तो अब फिंगर्स कैसे वर्क करेंगे हमारी इस पे, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, ये हमारा राइट हैंड है, तो इसमें भी हमने फिंगर यूज करनी है। जो ये अबैकस टूल होता है इसको यूज करने के लिए हमने कौन सी फिंगर कहाँ पे यूज करनी है या कौन सी फिंगर नहीं यूज करनी है उसके बारे में देखिए। मोस्टली हम अपने दोनों हाथ की सिर्फ दो ही फिंगर यूज करेंगे। फिंगर्स के लिए पता है आपको कि ये है थंब और ये है इंडेक्स फिंगर राइट हैंड का, ऐसे ही लेफ्ट हैंड का थंब और इंडेक्स फिंगर, वैसे लेफ्ट हैंड की ये टू फिंगर्स ये यूज करनी होती हैं, जिसको हम इंडेक्स फिंगर और इसे हम मिडिल फिंगर बोलते हैं। परंतु फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए फिंगर्स के बारे में हम ये दो ही फिंगर्स यूज करवाते हैं, लेफ्ट हैंड की भी थंब एंड इंडेक्स फिंगर और राइट हैंड की भी इंडेक्स एंड थंब फिंगर। तो सबसे पहले आपका आज का काम क्या है कि आप सभी बच्चे अपने नोटबुक पे इस अबैकस की पिक्चर को ड्रॉ करें, राइट, उसके बाद उसके पार्ट्स को समझें, कौन से पार्ट्स को क्या बोला जाता है, और इसको काउंट करें बीट्स को। जैसे मैंने आपको बताया कि इस बीट की वैल्यू वन है, तो ये क्या हो गया हमारे लिए, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, इसको हमने 11 या 22 या 33 ऐसा कुछ काउंट नहीं करना, सिर्फ हमने क्या करना है इसको काउंट करेंगे, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, फ्रॉम दिस पार्ट टू एंड दिस, ये सभी रोड्स पे हम लोगों ने सिर्फ इतनी ही प्रैक्टिस करनी है। और अपर बीट्स जो है उसकी वैल्यू क्या है, 5, तो अपर बीट को हम क्या करेंगे, 5 5 5 5, ये रिवीजन इसलिए जरूरी है ताकि आपको इसके सभी पार्ट्स के बारे में पता चल जाए, प्लस इसकी वैल्यूज लर्न हो जाए। तो अभी तक का आपका इतना ही काम है, आप इसको ड्रॉ कीजिए, इसकी वैल्यूज याद कीजिए और इसको अच्छे से लर्न करें। मैं ऋषु मित्तल, ब्रेन बूस्टर बैकर्स इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आप इसको देखें अच्छे से और इसको समझें भी। थैंक यू।